आज की हमारी पहली मेंटोर हमारे साथ नॉर्वे से स्वीडन से मौजूद हैं, डॉक्टर मैमुना मजीद। वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड पेरेंट्स के नाम से, इसमें ये बहुत सारा काम कर रही हैं और ऐसे स्किल बिल्डिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो मैमुना, मैं चाहूँगी कि आप अपना तारुफ खुद भी कराएं, और मैमुना आज हमें बताएंगी 8 हैबिट्स ऑफ बिलीवर्स, कौन सी वो 8 सिफात हैं जो मोमिनीन के अंदर होनी चाहिए और जो उनको कामयाब बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैमुना? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। जैसे कि आयशा ने बताया कि आज वहाँ पर बहुत बारिश हो रही है, तो उम्मीद होगी कि आप सबकी तरफ अच्छा अच्छा मौसम होगा और आप लोग मौसम को भी एंजॉय कर रहे होंगे। इतनी गर्मी के बावजूद जब बारिश हो तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपनी स्क्रीन साथ साथ शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। मैमुना, थोड़ा सा अपने काम का भी तारुफ करवाइएगा, आप क्या काम पर जी करती हैं बेसिकली? बिल्कुल। जी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेडिकेटेड पेरेंट्स के नाम से है, और हम लोग 2013 से काम कर रहे हैं। पेरेंट्स के यूजी मतलब बेसिकली तो ये है कि वो पेरेंटिंग किस तरह से करें, और उसमें फिर बच्चों का भी सब कुछ आ जाता है। और उसके अलावा ये कि हमारे उस प्लेटफॉर्म से लोगों को मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो कि पेरेंटिंग से रिलेटेड और डेवलपमेंट, जैसे आपने कहा स्किल्स डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से सब कुछ ऑनलाइन बेसिस पे जो है वो मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हमारा काफ़ी कम्युनिटी बढ़ गई है, स्वीडन, आउट ऑफ स्वीडन, नॉर्वे, इंग्लैंड, डेनमार्क, बेल्जियम और पाकिस्तान, सऊदीया, दुबई, ये सब काफ़ी लोग इधर से जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्वीडन में रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके तहत हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करवा भी चुके हैं। बहुत सारे लोगों को हम उस इनवाइट करते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि वो आके हमारे लिए कोई ना कोई वर्कशॉप या ट्रेनिंग करवाएं, और उसके तहत जो है वो फिर इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। बेसिकली आइडिया इस तरह से था कि जब हम अपने बच्चों की तरबियत के लिए कुछ सोचते हैं तो वहाँ पे हम दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ प्लान करें, कोई एक्टिविटी बच्चों के साथ मिल के करने के लिए। तो उस हवाले से ये आइडिया इतना फला फूला कि वो फिर फैलता गया। तो ओके okay. इंशाल्लाह मैं आपको, और मेरा इंट्रोडक्शन यह है कि मेरा नाम मैमुना मजीद है और मैं स्वीडन में तकरीबन 10 साल से मौजूद हूँ, और मैं बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हूँ और डेडिकेटेड पेरेंट्स की फाउंडर और सीईओ हूँ, और मेरे 3 बच्चे हैं, और मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर रहती हूँ स्वीडन में। और इसके अलावा जो है वो मैं मास्टर्स कर रही हूँ यहाँ से अभी, पेरियोडोंटोलॉजी में, डेंटिस्ट्री का ये एक सब्जेक्ट है इधर की कैरोलिंस्का यूनिवर्सिटी से। और बस यही मेरा तारुफ है। ओके, तो थैंक यू इंशाल्लाह वेरी हम मच। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर बात करें। प्रेजेंटेशन ऑन 8 हैबिट्स ऑफ बिलीवर्स। जी बिल्कुल, थैंक यू। आप सबको वेलकम, जो लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है या जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आज हम 8 हैबिट्स ऑफ बिलीवर्स पे बात करेंगे, जिसमें जिसका मतलब यह है कि हम जो मोमिन हैं, जो ईमान ले आए हैं, उनकी हैबिट्स क्या होनी चाहिए, उनका कैसा करेक्टर, या क्या अल्लाह ताला ने वो क्या बातें कही हैं जिन जो उनमें होंगी तो वो जो है वो जन्नत के वारिस बनेंगे, यानी इनहेरिट करेंगे जन्नत को। तो हम एक-एक करके उनको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह मोमिनून की आयात हैं, पहली 10 आयात हैं जो कि मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। उसकी फर्स्ट आयत है कद अफलाह मोमिनून, यानी द बिलीवर्स मर्स्ट, जिसने जो जो मोम फला पा गया, जिस जो ईमान लाया, तो जो ईमान ले आए वो कामयाब हो गए। अब ईमान लाने से क्या मुराद है कि
कि हम इस बात पे ईमान लाते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम एक अल्लाह को मानते हैं। तो अगर जो भी आपके साथ आपको बात करते हुए कह देता है कि मैं मुसलमान हूँ या फिर आपको सलाम कर देता है, तो जाहिर है वो मुसलमान है। तो इस हद पे फिर आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है कि आप उसको जज करें। इससे पहले पहले आप उसको जज कर सकते हैं कि वो मुसलमान है कि नहीं मुसलमान। और जूं ही हमें किसी के बारे में उसके ईमान के बारे में पता चल जाए कि वो मुसलमान है, तो यहाँ पर हमारी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है और उसकी पर्सनल वो मैटर आ जाता है कि वो मुसलमान होके क्या क्या करता है और क्या क्या नहीं करता। और हम हमारे पे जो हमारे बनता है वो ये है कि हम अपने आप को जज करें और अपने अंदर वो क्वालिटीज़ और वो पैदा करने की कोशिश करें जिनको अल्लाह ताला ने यहाँ पर फर्दर मैंशन किया है। उससे पहले जाने से पहले मैं अफलाहा की थोड़ी सी तशरीह करूंगी। उसका मतलब है कि सक्सेस, यानी जो मुसलमान कामयाब होगा वो कौन होंगे, वो मोमिनीन होंगे। तो कामयाबी का मतलब है कि वो ऐसी कामयाबी होगी जो कि शुरू से लेकर आखिर तक, यानी ना ख़त्म होने वाली कामयाबी होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो आज कामयाब हैं तो कल वो फेल हो जाएंगे, या फिर वो कल कामयाब हो गए थे, आज कामयाब हो, कल कामयाब हो गए थे और आज वो इस तरह से नहीं कर सकेंगे। तो ये हमेशा रहने वाली कामयाबी होगी, इसमें आपका कोई वो नहीं होगा। उसके बाद हम एक मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है कि अगर आप किसी स्टोन या फिर किसी पेपर को अगर किसी पानी में फेंकें, जैसे रिवर हो या सी हो, पोंड हो, या जो भी आपके पास आपके सामने पानी हो ज़्यादा बड़ी अमाउंट में, तो आप उसको किस तरह से वो पेपर एक्ट करेगा या वो स्टोन कैसे वहाँ पर जाके करेगा। जो कि पेपर होगा आप लोगों का सबका यही जवाब होगा कि जो पेपर होगा वो तो बिल्कुल हल्की सी या शायद कोई भी वेव ना पैदा कर सके, मगर जो स्टोन है वो ज़्यादा वेव्स पैदा कर सकेगा। तो इस वजह से कि स्टोन का वज़न होता है और वो जब पानी में हम उसको फेंकते हैं तो वो हरकत पैदा करता है, उसके अंदर हरकत पैदा करता है कि पानी को भी मूव होने पर मजबूर कर देता है। वो उसके अंदर सारी चीज़ें पैदा करने पर मजबूर कर देता है कि पानी भी अपनी उस चीज़ को छोड़ देता है। तो इसी तरह अगर हम एज अ मुसलमान इन सारी क्वालिटीज़ में से जो अभी आगे आएंगी इनमें से कोई एक भी अगर अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, और वो बहुत आसान आसान है, ऐसी बात नहीं है कि वो कोई मुश्किल क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं, तो उतना वज़न पैदा करते जाते हैं अपने अंदर। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई एक अच्छी क्वालिटी को अपने अंदर ले आते हैं तो फिर हम उसके बाद अगली क्वालिटी पे चले जाते हैं। इसी तरह जो मुसलमान की है ना मिसाल, वो ऐसे जैसे लेयर्स ऑफ ऑनियन होते हैं, जैसे आप प्याज की एक छिलके को उतारते हैं दूसरी लेयर निकलती है, फिर तीसरी लेयर निकलती है, फिर वो चौथी लेयर निकलती है। इसी तरह जब हम इंसान भी अपने आप को एक चीज़ हम अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो फिर हम उससे अगली लेयर पे चले जाते हैं, यानी अगली चीज़ को डेवलप करने की कोशिश करना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप पहली क्लास में जाते हैं, फिर उसके बाद आप दूसरी क्लास में जाते हैं जब आप उसको पास कर लेते हैं, फिर आप तीसरी क्लास में जाते हैं। इसी तरह लेवल्स होते हैं जब आप उनको पूरा करते जाते हैं। तो पर्सनैलिटी में भी जब हम डिवेलप करते हैं तो वो लेयर्स और स्टेप्स के हिसाब से होती हैं कि वो उसकी आहिस्ता आहिस्ता डिवेलपमेंट जो है वो करते हैं। तो ये बात मैं आपको इस चीज़ से आखिर में दोबारा से रिलेट करूंगी इस चीज़ को, ये आप अपने जहन में रखिएगा। तो आगे जो है वो हमारा है, पहली क्वालिटी जो आ जाती है वो है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, यानी उन लोगों की नमाजों में खुशू होता है, यानी वो खुशू इख्तियार करते हैं अपनी नमाजों में। और खुशू से क्या मुराद है? खुशू से मुराद ये है कि डर और खौफ की वो कैफियत जिसमें आपके जैसे रोंगटे खड़े हो जाएं। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे कोई बच्चा रिपोर्ट कार्ड लेकर आए अपने माँ बाप के पास और उसके मार्क्स थोड़े कम हों तो उसको क्या महसूस होगा, जबकि वो एक्सपेक्ट ना कर रहा और उसके माँ बाप उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हों, तो वो डरेगा,
अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाने में, और वो जब अपनी माँ को दिखाएगा, माँ बेशक जो भी उसका रिएक्शन हो, मगर ये कि बच्चे का रिएक्शन बहुत सख्त होगा कि वो डर रहा होगा, उसकी आंखों में आंसू होंगे और उस वो कांप रहा होगा कि मतलब मैं क्या लेकर आया हूँ और किस तरह से मेरे माँ बाप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब वो कैफियत तो आपकी एक दफ़ा में हो गई, उसके बाद वो बच्चा अगर कमरे के अंदर चला गया और अभी उसका बाप घर नहीं आया था, और शाम को जब बाप घर आया तो माँ ने फिर रिपोर्ट कार्ड जो है वो अपने शोहर को दिखाया, उसके बाप को दिखाया, और वो बच्चा सामने आया, फिर उसकी वही कैफियत होगी कि मतलब उसको वही शर्मिंदगी, वही खौफ और वही डर होगा कि मैं किस तरह का रिजल्ट लेकर आया हूँ अगर वो अच्छा ना हो। तो यही मिसाल यह है कि अल्लाह ताला के सामने हम 5 दफ़ा जब हाजिर होते हैं तो हम ऐसी कैफियत में हाजिर हों कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, हमसे बहुत गलतियाँ होगी, अल्लाह ताला हमें हर चीज़ में जो है वो ये तौफीक दे कि हम इससे बेहतर कर सकें और उसको हम अच्छा बना सकें और उसको हम सही तरीके से कर सकें, जो भी हमारे एक्शंस हैं और जो भी हमारे प्लान्स हैं उनको। तो इसके लिए मैं पढ़ रही थी, तो अगर कोई आप लोगों में से भी मेडिकल का स्टूडेंट हो या इस तरह, तो आप लोगों को पता होगा कि ब्रेन में जो वेव्स होती हैं वो डिफरेंट उनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो मैं आपको इतनी डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, मगर ये कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वेव्स हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर होती हैं और डिफरेंट दिन के डिफरेंट औकात में वो डिफरेंट तरीके से होती हैं, मतलब वो आती हैं। और ये जो आपको नज़र आ रही हैं इस पे स्क्रीन पे इस वक्त, ये वो वेव्स हैं जो कि हाईएस्ट लेवल पे होती है जब इंसान ऐसी स्टेट में होता है कि जब वो कह लें कि बहुत ज़बरदस्त, यानी रिलैक्स्ड, कोई स्ट्रेस नहीं और कोई उसके ऊपर कुछ वो बोझ नहीं, और वो उस चीज़ में जो है ना वो होता है कि परफेक्ट स्टेज ऑफ माइंड आप कह लें उसमें होता है। और ये स्टेज जो है ना, साइंस ने इसको रिसर्च करके प्रूव किया है कि ये तहज्जुद के वक्त हर दिमाग के अंदर होती है ये स्टेट, और स्पेशली जो बिलीवर्स हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम हैं चाहे वो मुस्लिम्स हैं, अगर वो इन वेव्स को, जैसे ये जब वो कहते हैं ना कि आप किसी गॉड का कोई भी नाम लेता है, जो बिलीवर्स हैं जो अल्लाह को मानते हैं, वो अगर अल्लाह का नाम लेते हैं तो ये फौरन एक्टिवेट हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर जब हम नमाज में खड़े होकर अल्लाह अकबर का सदा लगाते हैं, पहले ऑन स्टार्ट करने के लिए जब नमाज को स्टार्ट करते हैं, तो जो ही हम अल्लाह अकबर बोलते हैं, अभी भी जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरी ब्रेन की ये स्टेट आ रही है, और जो ही हम अल्लाह अकबर करते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए हमारी ब्रेन की स्टेट, ब्रेन इस स्टेट में चला जाता है जो कि परफेक्ट माइंड स्टेट है, माइंडफुल स्टेट या मेडिटेशन की स्टेट जिसको आप कह सकते हैं। और इस स्टेट में जाने के वजह से अगर आप उसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर लें तो वो आगे अगली जो उसकी सूरत होती है वो खुशू की सूरत होती है। अब कुछ लोग उसको मेंटेन कर लेते हैं और कुछ लोग उसको मेंटेन नहीं कर सकते, यानी जैसे आदतन नमाज पढ़ी जाए या फिर उसको बस ऐसे ही जल्दी जल्दी पढ़ा जाए तो वो फिर वो उसकी वो स्टेट उस तरह से नहीं, मगर हर इंसान इस स्टेट से गुजर के जाता है नमाज में। अल्लाह ताला ने एक डिफॉल्ट मूड रखा है इंसान के ब्रेन में कि जब भी वो अल्लाह अकबर कहेगा तो उसकी नॉर्मल स्टेट ब्रेन की इस तरफ जाएगी। तो ये अल्लाह ताला का इतना बड़ा एक मौजा है, आप सोच लें कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो अपनी बड़ाई बयान करने पे वो स्टेट प्रोवाइड दी है दिमाग के तौर पे, दिमाग में मेंटल हेल्थ के तौर पे, कि हम उस स्ट्रेस लेवल्स से बच जाते हैं, और जितना हम उसके करीब होते जाएंगे, यानी जितना हम उसकी वो बड़ाई और उस चीज़ को बयान करते रहेंगे और उसको याद रखेंगे, तो उतना ही हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होगा। अब इससे आगे अगर मैं जाऊं तो अगली जो हमारे पास क्वालिटी आती है अल्लाह ताला ने जो हमें बताई है वो है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून, यानी वो लग़व बातों से एराज भरते हैं, यानी वो जो अननेसेसरी या आप कह लें जिसका कोई बेनिफिट नहीं होता उन चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं, अवॉइड करते हैं, और क्या करते हैं, दे लिव अ प्रोडक्टिव लाइफ। यानी मिसाल के तौर पे लग्व अगर आप देखें तो हमारे यहाँ लग्व क्या होगा,
लग वही है जो हर बेमकसद चीज़ है ना, मिसाल के तौर पे वो कोई ऐप हो सकती है आपके फ़ोन में जो आप आपको बहुत ज़्यादा अपने साथ एंगेज रखती है, कोई गेम हो सकती है, कोई हमारी कोई आदत हो सकती है जो हमें बहुत ज़्यादा बेमकसद ज़िंदगी की तरफ करती है। और वो बेमकसद ज़िंदगी या वो बेमकसद लाइफ का जो होता है वो क्यों होता है, इसलिए जब हमारे पास कोई पर्पज़ नहीं होता, जब हमारे पास कोई स्किल नहीं होता, जब हमारे पास कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर यही देखा गया कि हम जो बच्चे यानी कोई भी स्किल डेवलप करते हैं उनको हम पॉजिटिव चीज़ नहीं देते। मिसाल के तौर पर मैं देख रही थी कि आजकल वैसे भी आमतौर पर तुर्की का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है ड्रामे की वजह से भी, जो कि बहुत मशहूर हुआ अर्तुगरुल ड्रामा, और उन लोगों ने अपनी जो यंग जनरेशन है उसको एक प्रोडक्टिव इंटरटेनमेंट दी है। तो अगर बच्चे या उनके जो यंग जनरेशन है उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं तो वो उतनी प्रोडक्टिव है, चाहे वो म्यूजिक की बात ले लें या फिर आप उनके ड्रामों की बात ले लें, चंद ड्रामे जो हैं, और वो इतने अच्छे हैं कि उसमें भी आपके पास ऑप्शन है। मगर मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ इस तरह की कोई प्रोडक्टिव चीज़ें ही नहीं होती जिनके अंदर हम अपने बच्चों को कह सकें कि वो ये करके तो उससे बामकसद चीज़ सीख सकेंगे। बहुत सारे लोग अब काम कर रहे हैं इस पे, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इस पे काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह अब आने वाले जो अरसा है उसमें लगेगा, सामने आएगा सारा काम। मगर मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग सामने आए जो इस तरह के काम करें जो कि प्रोडक्टिव इंटरटेनमेंट और प्रोडक्टिव हर चीज़ में वो हो। तो जब हम लव की बात करते हैं तो वो सारी चीजें जो बिल्कुल बेमकसद हैं, जिनका कोई बेनिफिट नहीं है, वो सारी इसमें आ जाती हैं। तो अगर हम इसको देखें कि वो चीजें जो बेनिफिट भी नहीं रखती वर्डली और स्पिरिचुअली, वो सारी चीजें जो हैं वो लव में आ जाएंगी। तो इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून। अब वो लोग जो ज़कात पर आमिल होते हैं, यानी यहाँ ये नहीं कहा गया कि आतुज़ ज़कात यानी ज़कात देते हैं, कहा गया ज़कात फ़ाइलून वो करते हैं। तो जब फ़ाइलून का वर्ड आ जाता है तो ये आपके लिए वो है वर्ब है, और वर्ब कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता, यानी कोई भी काम कभी हम हर वक्त हर काम नहीं कर रहे होते, कभी हम सो रहे होते, कभी हम जाग रहे होते, कभी हम चल रहे होते, कभी हम बैठ रहे होते हैं, कभी हम खा रहे होते, कभी हम पी रहे होते हैं। तो हर काम जो फेल है वो हम हर वक्त नहीं कर सकते। तो इसी तरह ज़कात का भी अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये कहा कि वो चीज़ वो एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि वो कभी कर लेते हैं। और ज़कात से मुराद सिर्फ ये नहीं कि आप गिव अवे जो है वो करें मनी की सूरत में, या फिर आप जो है वो इस चैरिटी की सूरत में करें, ये हर चीज़ वो है कि जो आपने स्किल्स सीखे हैं या आपका टाइम है और उसको आप प्रोडक्टिव उसमें लगाएं। और इससे अगर मैं देखूं तो हम इसको एक सेंटेंस में इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दे लिव अ लाइफ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि वो अपने उस चीज़ पर रिफ्लेक्ट बैक करते रहते हैं, जो भी वो करते हैं उसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं कि हमारा ये काम जो है या हमारा ये सारी चीज़ जो है वो गलत कामों में तो नहीं कहीं हर जो खर्च हो रही टाइम, या हमारे जितने भी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं वो हम गलत चीज़ों में तो नहीं खर्च कर रहे। तो जब हम उसको पॉजिटिव चीज़ों में खर्च करते रहेंगे तो वो सब कुछ पॉजिटिव में आता रहेगा, और वो फिर हम उसके अच्छा काम करने वाले हैं। मिसाल के तौर पे जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, जब हम अपने किसी काम में मसरूफ होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हमारी पॉजिटिव उसमें आती हैं, और वो फिर हम लिज़्ज़कात फ़ाइलून के करने वाले हो जाते हैं। तो इस तरह से इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो आपके पास पैसे हों और आप अल्लाह की राह में चैरिटी दें तो ही आप वो ज़कात दे सकते हैं। आपके पास आपका टाइम है, आपके पास आपकी बॉडी है, उसमें आपके पास हाथ हैं, आंखें हैं, मुंह हैं, पाँव हैं, इन सब से आप प्रोडक्टिव चीज़ें करके अल्लाह ताला को उस चीज़ का उस अल्लाह ताला की राह में आप लगा सकते हैं इन चीज़ों को। तो उससे आगे जो है वो आता है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफिज़ून,
और ये कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जो वो अपनी लाइफ को मोडेस्टी से गुजारते हैं, यानी शर्म और हया की उस फॉर्म में गुजारते हैं, और वो ऐसे नहीं है कि वो अपने बाउंड्रीज को ना जानते हों, और वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ में जो है वो अपनी बाउंड्रीज को रखते हैं, उसका उनका ख्याल रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये आया था, ये इल्ला अला अजवाजी او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. کہ جب یہ اس کے بارے میں آیا تھا یہ کہ except with those joined to them in the marriage bond or the captives whom their right hands possess, for in their case they are free from blame, but those whose desires exceed those limits are transgressors. अब वो क्या करते हैं, अपनी बाउंड्रीज का ख्याल रखते हैं। इस बारे में, हया के बारे में इस रुकू में 3 आयात आई हैं, और जबकि नमाज के बारे में 2 आयात आई हैं। आप इसकी इम्पोर्टेंस देखें कि इस चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है कि हम अपनी हया को जो है वो कायम रखें। और हया में भी फिर हमारे यहाँ ट्रेडिशनली इस चीज़ को किया जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है या ओवर एस्टिमेट कह लें, कि बाज जगह पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पाए जाती है ना, 2 सूरतें, या तो बिल्कुल ही खुल्लम खुल्ला सब कुछ, और यहाँ, और या फिर इतनी पाबंदियाँ कि आप किसी चीज़ पे में इंटरेक्ट नहीं कर सकते। जबकि आप अगर उसको बैलेंस्ड वो रखें, तो मुझे लगता है कि हम, ये तो एक अल्लाह की फितरत, अल्लाह ताला का निज़ाम है दुनिया में कि मर्द और औरत इंटरेक्ट करते हैं, वो हमेशा इंटरेक्ट करेंगे, और इस चीज़ से हम नहीं रोक सकते। किसी जो इंटरेक्शन की बाउंड्रीज और उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो हम इंसान को बता सकते हैं, हम किसी भी बच्चे को बता सकते हैं कि ये आपकी बाउंड्रीज हैं, इस मिसाल के तौर पर मैंने अगर आयशा को कोई चीज अपनी रखवाई है, और मैं पीसफुल फील करूं कि मैंने उसके पास रखवाई है, बात बताता है, तो वो भी आपके पास अमानत होती है, और आप उसकी जितनी हिफाजत करते हैं, फिर वो आपके लिए उतनी ही जरूरी बन जाती है। और फिर आता है कि वाअहदिहिम राउन, यानी वो अपने अहद की हिफाजत करते हैं। अब यहाँ पे है कि जो हमारे कमिटमेंट्स होते हैं, जो हमारे प्रोमिसज होते हैं, जैसे मैं किसी से बात कर रही थी कि अपने अहद की पासवानी तो हमें हमारे पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, जो बहुत मशहूर वाक़ा है कि 3 दिन तक उन्होंने किसी इंसान, किसी शख्स का इंतज़ार किया और वो ना आया, और तीसरे दिन जब वो वहाँ से गुजरा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि वो कह के क्या था कि मैं आता हूँ, तो आप उसका वहाँ पर इंतज़ार क्या मिलती हैं, और हमारे तो इसमें आते हैं। तो अब किसी ने मुझे कहा कि मगर हम वर्ड तो प्रॉमिस नहीं ना इस्तेमाल करते कि वादा हम ऐसे करेंगे, तो वादा वर्ड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें यह है कि आपने जब किसी से कोई कमिटमेंट की है तो आपने उसको पूरा किया है। अक्सर लोगों के यहाँ ये होता है कि आप उनको फ़ोन करें तो आगे से मैसेज लिख देते हैं कि आई विल कॉल यू बैक, बट यू नेवर रिसीव देयर कॉल्स, आप उनकी कभी भी कॉल नहीं रिसीव करते। तो वो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी हमें अपने वादे का पास रखने की ज़रूरत है, कि हम जब किसी को कोई, वो हालांकि वो ऑटोमेटेड मैसेजेस होते हैं, आपने उसको लगा दिया, मगर ये कि जब आपने वो सिलेक्ट किया मैसेज के, आपने उसको, आप उसको कॉल बैक करेंगे, तो आपने उससे कमिटमेंट किया है, तो फिर आपने उसकी पूरी करनी है। और इसी तरह जब हम किसी से ये कहते हैं कि मैं आपको आपके साथ मिलूंगा फलाने दिन, या फिर मैं ये कमिट करता हूँ कि मैं
ये प्रोग्राम अटेंड करूँगा तो फिर हमारे लिए वो कमिटमेंट पूरी करना ज़रूरी होती है, इल्ला ये कि बहुत कोई मजबूरी बात हो, जाहिर सी बात है मजबूरियाँ भी हैं और वो फिर हम अपनी अपनी मजबूरियाँ जो हैं वो सब जानते हैं और उनको जस्टिफाई कर सकते हैं अपने पास ही। और फिर ये कि जब हम इस तरह के वादे या कमिटमेंट्स करते हैं तो फिर हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते। इफ़ यू कैन डू इट देन से यस, इफ़ यू कॉन्ट डू इट देन से नो। अगर आप कर सकते हैं तो आप हामी भरें, अगर आप नहीं कर सकते तो आप उससे इनकार कर दें, यानी लर्न टू से नो। आप हम जो है ना बहुत सारी बातें जो हैं हम में असाइनमेंट मिली हुई है और वो कॉल असाइनमेंट की आपकी डेट आ चुकी है, आपने सबमिट कराना है, इसके बावजूद या फलाने प्रोग्राम पे हम ज़रूर आएंगे या फिर हम ये काम ज़रूर कर देंगे, आप पड़ोसियों को फलानी चीज़ ला देंगे या फलाने के साथ बाजार चले जाएंगे या फिर खाने में ये पका देंगे, घर में ये हेल्प करा देंगे, जबकि हमें पता है कि हमारा असल काम करने वाला क्या है, वो असाइनमेंट कंप्लीट करना। जब वो असाइनमेंट कंप्लीट होगी तो फिर हम उसके बाद हम किसी से कोई कमिट कर सकते हैं, यानी सबसे पहली प्रायोरिटी फिर हमें वो होनी चाहिए कि हम उसको कमिट करें, हम उसकी पूरी करें कमिटमेंट। तो इस तरह से अगर आप नो करेंगे तो फिर उसको अपने ऊपर से उतार देंगे और आप अच्छे तरीके से अपना असल काम कर सकते हैं। तो इससे अगला जो पॉइंट है हिम यू हैव हिज ओन, यानी वो अपनी अब पहले आया कि वो नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं और फिर आया कि वो अपनी नमाजों में अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। यहाँ पे भी यू हाफिजून जो है लफ्ज़ ये फेल की फॉर्म में आया है और यहाँ पे भी ये साबित होता है कि ये भी हम हमेशा नहीं कर सकते। और इधर जो वर्ड सिलावाती हिम यू हाफिजून आया है वो एक्स्ट्रा नमाजों के लिए, कि दे परफॉर्म एक्स्ट्रा बट कीप बैलेंस। एक्स्ट्रा परफॉर्म का क्या मतलब है, जो हमारे मगरिब के साथ सुनते हैं कि दफा हर कोई हर नफल नहीं पढ़ सकता, बाज दफा ऐसी सिचुएशन होती है आप सिर्फ फर्ज नमाज अदा कर देते हैं और उसके बाद आप उसको जो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो हिफाजत करते हैं तो उसमें उनकी क्या चीज महफूज हो रही है, उनकी फर्ज नमाज महफूज हो रही है। जब आप एक्स्ट्रा नमाज तभी पढ़ेंगे, आप सुनते हैं और नफल उसी वक्त पढ़ेंगे जब आपने फर्ज पढ़ लिया होगा, या ऐसा तो नहीं कभी हुआ कि कोई भी जो है वो नफल और एक्स्ट्रा सुनते पहले पढ़ ले और फिर फर्ज नमाज बाद में पढ़े, तो वो चीज कभी भी नहीं। जो फर्ज है वो पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको फिर हम बाद में करेंगे। तो ये चीजें जो हैं ये अल्लाह ताला ने हमें को हुमुल वारिसून लजीना, यानी वो क्या करेंगे, वो वही जन्नतों के वारिस हैं और वो हमेशा वहां पर रहेंगे, यानी वो लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। अल्लाह ताला ने फिरदौस का नाम लिया और फिरदौस जन्नत का वो हाईएस्ट पॉइंट है जहां पर वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जो जन्नत का सबसे ऊंचा मकाम है। तो अल्लाह ताला ने हमें ये क्वालिटीज बता के और हमारे लिए हमने करना है। तो अगर हम इसकी चेकलिस्ट चेक करें तो सबसे पहले हमारे पास नमाजों में खुशू इख्तियार करना है, अपने ब्रेन की वो वेव्स आपने डेवलप करनी है, अकबर के बाद जो कि ऑटोमेटिकली आपकी वो वाइब्रेशंस और वो फ्रीक्वेंस कायम हो जाएगी, उसको अपनी अमानतों का ख्याल रखना है, अपने अहद का ख्याल रखना है और उसके आखिर में हमने एक्स्ट्रा जो है वो परफॉर्मेंस देनी। एक्शन प्लान जो मैंने तैयार किया था सबके लिए, वो अगर आप
इजी होगा कि अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करना सीखें, वीकनेसेस को छोड़ दें, सिर्फ स्ट्रेंथ्स पे काम करना सीखें कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, और फिर ये कि हर वक्त आपको ये हो कि आप न्यू स्किल्स किस तरह से सीख सकते हैं, यानी एक बामकसद लगव से दूर रहने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ को प्रोडक्टिविटी उसमें लाएं, और लर्न टू से नो, अहद पूरा करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप लर्न करें, आपकी एनर्जी जो है वो बूस्ट रखने के लिए ज़रूरी है, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होने के लिए ज़रूरी है कि आप दिन गुजार के शायद एक कप चाय अपनी पसंदीदा घर की जगह पे अपने पसंदीदा कॉर्नर में बैठ के अपने पसंदीदा कप में चाय पी लें, तो यही आपके लिए नर्चरिंग होगा कि आप अपने आप को वो चीज़ दे रहे हैं, या आपने कोई काम किया जैसे हमने कोई प्रोग्राम किया हो या इस तरह, तो उसके बाद हम अपने में पता हो कि हमने कोई अचीवमेंट लिए किया। आपको मोमिनीन में शामिल करें जो कि जन्नत के वारिस हों, और जन्नत के हाईएस्ट प्लेस पे हमें हम सबको अल्लाह ताला मिलाए, और आप लोगों को और आप लोगों के लिए सब आसान करे, आसानियां करे, आप लोगों के औकात में बरकत दे, और आप लोगों की लाइफ को प्रोडक्टिव बनाए। जजाकिल्ला है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मेमुना। ये डॉक्टर मेमुना स्वीडन से पॉजिटिव पेरेंटिंग। मेमुना हैव सम कनेक्शन प्रॉब्लम्स। हाँ जी, डॉक्टर रहील काजी से, रहील काजी साहब आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज गो हाँ जी, अहेड। थैंक यू भी करना चाह रही हूँ। और उसकी एक जो बात है ना, जो उसने कहा कि आप किसी भी अपने आपको ट्रीट दें जब भी आप कोई अच्छा काम कर लें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे यहाँ तो इस तरह का रिवाज नहीं है ना, और मैंने इनकी एक तंजीम है डेडिकेटेड पेरेंट स्वीडन की, तो इन्होंने मुझसे पेरेंटिंग पर एक प्रोग्राम करवाया, और मैंने यही दुलफितर की बात है, रात को इन्होंने पाकिस्तान में उसका इंतजाम किया कि मुझे फूलों का बुके और एक केक भेज दिया। अच्छा, मैं अभी तक मैंने उसे अपने सरहाने उसके उसका जो कार्ड है वो मैंने रखा हुआ है, और मुझे उससे इतनी एनर्जी मिली कि आप जब एक्नॉलेज करते हैं, और तो मैं उसको ना अप्रिशिएट करना चाह रही हूँ। और मैंने कहा ये बड़ा अच्छा मौका है कि मैं उसकी इस छोटी छोटी जो जेस्टर्स हैं जिससे वो अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, तो मुझे उससे याद आया जो इसने कहा कि किसी अपने पसंदीदा कोने में जाके अपने पसंदीदा कप में चाय पी लें और अपने आप को ट्रीट दें। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा कहते हैं ना, बड़ा ज्यादा ये काम करते हैं ये। और मैं आपको एक और पसंदीदा आपकी टिप बताऊं, आपका ना मूड उससे बड़ा खुशगवार हो जाता है कि आप अपना कोई परफ्यूम्स की एक बड़ी वैरायटी है, लेकिन जो मेरा सबसे पसंदीदा परफ्यूम है वो जिससे मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं, वो मेरे अगरजान का ब्रूट परफ्यूम है, जो मेरे ख्याल है 600-700 रुपए में मिल जाता है, हर दुकान पे पड़ा होगा। उससे जो आपको मेमोरीज होती हैं और आपके जो बूस्टअप होती है एनर्जी, तो आप लोग जरूर ट्राई करें अपना पसंदीदा परफ्यूम कभी लगा के, और उसको खुद एंजॉय करें, और उससे वाबस्ता आपकी बहुत सारी मेमोरीज आपको ट्रांसफर होंगी। तो ये सब कुछ मैं डेडिकेट करती हूँ मैमोना को, कि उसकी छोटे छोटे जेस्टर से मेरे अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह खैर। कोई सवाल पूछना चाहे कोई तो प्लीज गो अहेड एंड अनम्यूट योरसेल्फ और पूछ लीजिएगा। एक दो सवाल लिखे हुए भी थे चैट में, अपनी वीकनेसेस पे कैसे कंट्रोल किया जाए, अगर मैमुना इसका जवाब देना चाहें या डॉक्टर रहील काजी साहिबा इसका जवाब देना चाहें। जी, वीकनेसेस पे कभी भी आप तवज्जो ना दें अपनी, काबू नहीं जो आप ना उसको काबू नहीं उसके ऊपर रख सकते, तो आप
कोशिश करें कि अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर तवज्जो दें, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो आप कर सकते हैं, जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, आपकी वीकनेसेस खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। जैसे प्याज की लेयर्स का मैंने जिक्र किया ना कि एक लेयर उतरती है तो उसके बाद दूसरी लेयर आती है, तो इंशाल्लाह जब आप एक आदत डेवलप कर लेंगे तो फिर आप अगली की तरफ बढ़ेंगे, तो वो हमारे लिए आसानी होती है। आप अपने आप को ज़्यादा बर्डन भी ना करें, एक चीज़ को अपने लिए टारगेट रखें, एक रूल बनाएं, एक चीज़ को टारगेट रखें, पूरे साल के लिए एक चीज़ को ले लें, ज़्यादा ना करें, बिल्कुल एक चीज़ को पकड़ के तो उसके ऊपर काम करें, इंशाल्लाह देखना आहिस्ता आहिस्ता वो वीकनेसेस पर खुद ही काम होती जाती हैं। आयशा माइक म्यूट है आपका, कोई सवाल पूछना चाहे तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप प्लीज। अच्छा आई गेस कोई सवाल नहीं पूछना चाह रहा। मेमुना आप अपने कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहें और आप इसको वाइंड अप करना चाहें सेशन को तो प्लीज गो अहेड एंड डू दैट, देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। जी माशाल्लाह मैंने कुछ सेशंस लिए हैं, सारे तो नहीं ले सकी, मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये जा रहा है प्रोग्राम, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे जो तलबा और तालबात और जो लोग भी इसको अटेंड कर रहे हैं वो इससे ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही सीख के जाएंगे। बाकी स्पीकर्स माशाल्लाह इतने अच्छे, और सबसे मैंने खुद इतना कुछ सीखा है और इतना कुछ बेहतर करने का मौका मिला है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी बहुत ढेरों दुआएँ, और माशाल्लाह आयशा के लिए कि जिन्होंने इतनी एफर्ट्स डाली और इस चीज़ को मैनेज किया, पूरी टीम के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। ओके सदफ कुछ पूछना चाह रही है, सदफ प्लीज गो अहेड अनम्यूट योरसेल्फ। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है कुछ पूछना नहीं है, बस मैं बोल रही थी कि आपका कोई और अगर सेशन हो और पेरेंटिंग या किसी के भी रिलेटेड, मुझे बहुत अच्छा आज का माशाल्लाह से लगा और बहुत ही प्रैक्टिकल वो, तो मैं चाहूंगी कि जो है ग्रुप में भी ये लिंक शेयर हो आपका कोई भी अपकमिंग सेशन, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। जज़ाकअल्लाह खैर। जी आयशा अगर आप इसके इसलिए मैं आपसे शेयर कर दूंगी तो आप अगर कर सकें तो। अच्छा आई थिंक मेमुना आप भी ग्रुप में हैं तो आप डायरेक्टली भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, मोस्ट वेलकम, इंशाल्लाह कर सकती हूँ, लेकिन कई दफा मेरे से रह जाती हैं कुछ चीजें, तो सही कह रहे मेंटर्स को शामिल करने का मकसद ये है कि हर कोई अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन को लोगों तक पहुंचाए, तो स्किलर्स इंटरनेशनल है ही इसलिए कि हम स्किल्स को और मेंटर्स को लोगों से जोड़ दें।